हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं, 4:15 बजने वाले हैं। और मैं, जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि मैं नहा के अभी माँ को चाय दे दी थी और शरबत दे दी थी, उसके बाद फिर मैं नहाई और नहा के अब हम जा रहे हैं छठ की तैयारी करने, ठकुआ बनाने। और आज 7 अप्रैल है और आज है संध्या अर्घ्य। तो आज के दिन संध्या अर्घ्य है, तो अभी ठेकुआ बनाने का काम हम लोग स्टार्ट करेंगे और सुबह से ही बनाएंगे तो फिर उस टाइम तक बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं बाद में। तो अभी है, आज है संध्या अर्घ्य की सुबह और मैं उठी थी 3 बजे। फिर उसके बाद मैं नहा उठ के फिर माँ को चाय दिए पीने के लिए और शरबत, और उसके बाद फिर वो चाय पी ली, शरबत पी ली। उसके बाद फिर हम दोनों आदमी नहा लिए, मैं और माँ, मेरी सासू माँ। और नहाने के बाद फिर ये जो ठेकुआ बनाने का काम हम लोग स्टार्ट किए, तो पहले अर्घ के लिए जो बनेगा ठेकुआ उसमें हम लोगों ने बनाया और यहाँ पे सारी तैयारी कर लिया था मैंने, हम दोनों मिलके। और यहाँ पे ठेकुआ हो रहा था और उस तो सुबह में नहाने के तैयारी करना होता है। और यहाँ पे ये ठेकुआ का जो बन रहा है प्रसाद बन रहा है, तो उसको माँ मिला रही थी और वो बोली कि तुम ही तलो, क्योंकि उनको आके पास ज़्यादा देर बैठना नहीं था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। और सुबह में मैंने उठा तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही थी, क्योंकि सभी लोग सोए हुए थे, बच्चे लोग, तो इसीलिए। और यहाँ पे ठेकुआ बनाना था और हर साल हम लोग रात को ही 3 बजे उठते हैं और बनाते हैं, चाय माँ को दे देते हैं पीने के लिए सुबह में और पानी। और उसके बाद में हम लोग नहा के फिर बनाने लगते हैं ठेकुआ। और इस बनाते बनाते लगभग 1 बज गए थे ठेकुआ बनाने में। और भी बाद में फिर मेरी बेटी उठती है तो वो भी आ जाती है नहा के बनाने के लिए। और सुबह, अब तक सुबह हो गया है और पापा लोग भी चले गए थे, पापा, मेरे देवर, ये लोग चले गए थे प्रसाद लाने, फल। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे हस्बैंड भी लेके आ रहे हैं फल और सब लोग ला के रखेंगे। और यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा सारे ठेकुआ बन गए थे और कुछ बनने बाकी थे। और यहाँ पे कुछ और बनाया जाता है क्योंकि छठ पूजा में सारा बहुत ज़्यादा प्रसाद है जो सब लोग आए थे, तो आते हैं उनको देना होता है। तो यहीं पे बनाते बनाते 1 बज गए थे और ठेकुआ। और उसके बाद फिर मैं उठी और घर जो ठेकुआ बनाए थे वो सारे बर्तन को हटा के वहाँ पे सारा साफ सुथरा कर दिया। और उसके बाद जो भी फल सब थे मैंने सोचा कि लगे हाथ थे इसको कर लेते, धो लेते हैं। तो ये मैंने 2 बाल्टी पानी में गंगा जल मिला के, क्योंकि छठ पूजा कोई भी पूजा पाठ में बिना गंगा जल के तो कोई शुद्ध होता नहीं है, तो गंगा जल मिला के इसमें सारे फलों को मैंने धो लिया था। और एक एक करके सारे फल को धो के रख लेंगे। और जब पूरे फल को मैंने धो लिया, और 2 आदमी हैं, वो फूआ सास है एक मेरी और वो एक और है जो वो छठ पूजा करवाने के लिए आए थे, तो वो भी सारा फल प्रसाद सब रख दिए थे, तो उन लोगों को भी मैंने धो लिया, सारे फलों को मैंने धो लिया वो। और सारे फल को धोने के बाद फिर मैं करते, और सूप जो था, सूप ये सब भी धोना था, तो सब धो के फिर साफ़ सुथरा सारा करके फिर मैं, तब तक मैं खाई भी नहीं थी, तो सारा काम करते हुए मुझे 3 बज गए थे। तो 3 बजे मैं खाई और खाना, और उसके बाद थोड़ा देर आराम की, फिर उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई। 3:30 बजे से मैं दौरा अर्घ जो सूप सजाया जाता है वो हम लोग सजाए। तो ये देखिए सारे फल को हमने धो लिया है और माँ तब तक सोई हुई थी। और ठेकुआ, गर्मी इतना ज़्यादा था तो मैंने उनको बोला कि आप जाइए सो जाइए, वो पूरा ठेकुआ बना भी नहीं था, तभी मैंने बोला उनको कि जाइए 10 बजे के बाद, मैंने बोला कि आप जाइए सो जाइए। तो 10-11 बजे वो जाके थोड़ा आराम कर ली थी, क्योंकि उनका फास्टिंग था और फास्टिंग के वजह से गर्मी भी ज़्यादा थी, धूप भी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने बोला कि आप आराम कीजिए, गर्मी में यहाँ चूल्हे के पास मत रहिए। तो वो जाके आराम कर ली थी। और बाकी मेरी देवरानी है वो उधर खाना पीना बना रही थी, सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तो इसी तरह से मेरा सारा काम हो जाएगा तब मैं थोड़ा निश्चिंत होंगी। और ये सब धोने के बाद फिर मैं खाना वीना खा के फिर मैं नहाने चली गई थी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? तो आप लोगों ने अभी देखा कि मैंने सारे फलों को अभी धो दिया ठेकुआ बनाने के बाद, 1 बज गए थे बनाते बनाते। और उसके बाद फिर मैं पूरे घर की साफ सफाई की, पूरे घर मतलब जिसमें पूजा हुआ था, ठेकुआ बनाए थे, ये सब वहाँ पे पूरा गंदा हो चुका था, तो वो सब साफ करके
फिर उसके बाद 1 बजे पूरा बनाया हुआ ख़त्म हुआ है, और उसके बाद फिर मैं उसको साफ की रूम को, और सब साफ करके सारे सामान को इकट्ठा की उसमें से, और जो भी हटाने वाला था जिसका काम ख़त्म हो चुका था वो सब हटाए, हटा के रख दी हूँ। और उसके बाद फिर थोड़ा देर बैठने के बाद मैं पानी पी, पानी भी मैंने पिया था, नहीं बहुत प्यास लगी थी। और अभी देख रहे हैं कि अभी नींद भी आ रही, लेकिन मैं सोऊंगी नहीं। अभी 3 बज गए, मैं आपको दिखाती हूँ। और दोपहर के 3 बजे अभी मैं खाना खाई हूँ। अभी सारे फलों को मैंने धो दिया है, और सब सूप मेरी बेटी धोई है, और फल सबको मैं धो के ही मैंने सोचा कि सारे पूजा का काम जो है वो कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी, और खाना खाने के बाद फिर मैं नहाऊंगी तो सूप सजाऊंगी। तो माँ भी सोई हुई, उनको भेज दिए थे कि आप जाइए सो जाइए, और बहुत ज़्यादा धूप है और गर्मी है। आप ही देख रहे हैं कि मेरे रूम का हाल कैसा है, सब पसरा हुआ जिस तरह से, तो कोई बात नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग अभी काम किए हैं होगा, और अभी छत पे धूप भी है। अभी गए हैं मेरे देवर, मेरा बेटा, ये सब गए हैं छत पर साफ करने, जहाँ पे अर्घ दिया जाता है वो बना हुआ है, उसमें पानी भरा जाएगा, तो पहले उसकी सफाई होगी फिर पानी भरा जाएगा, तो वही सब साफ सुथरा करने गए हैं। और सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, और सभी लोग अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। माँ तो सो रही हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पे जब मैं चूल्हे के पास बैठी हुई थी बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, लेकिन मैंने पानी नहीं पिया क्योंकि ठेकुआ बना रही थी इस वजह से। और सब जब सारा बना हुआ हो गया है तो मैं आके सजाने का बारी है, और उसमें भी एक एक चीज़, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा, जो भी है सब एक एक सामान उसमें रखा जाता है, सजाया जाता है, एक भी चीज़ छोड़ते नहीं है उसको, और सजा के सिंदूर लगा के टीका करके, और बहुत अच्छा लगता है। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। अब तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये अपन है, चावल के आटे का अपन बनाया जाता है, इसमें हल्दी मिला के ये सारे फल सूप सभी में सिंदूर और ये दोनों लगाया जाता है। तो इसी तरह से हम लोग सारे सूप को सजाए, और देखिए ये सब लोग माथे पे चढ़ा के सर पे रख के तब जा रहे हैं सूप लेके, दौरा लेके छत पर, खाट पर। तो इसी तरह से इतना और सब लोग आए, उसके बाद फिर गीत ये सब हुआ। मोती सूरज हो बाबूआ तोरा कारार छोटे मोटे। और छठ पूजा में सब लोग आए, फुआ जी लोग आए थे, तो वो गीत हो रहा था, माँ भी गाती हैं गीत, तो थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किए हम लोग। तो यहाँ पे ये देखिए अर्घ दिया जा रहा है, और इतना ज़्यादा ये महत्व है कि डूबते सूरज को, शाम के समय डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है, और सुबह में उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो इसी तरह से छठ पूजा मनाए हम लोग, तो देखिए आप लोग और इन्जॉय कीजिए। और शाम के जब छठ में अर्घ दिया हुआ हो जाता है, तो शाम होता है तो सभी अर्घ पे सूप पे दिया जलाया जाता है, तो उस समय भी संझा होता है गीत, यानी संझा के समय गीत गाया जाता है। तो वो भी हुआ था, लेकिन मैं किसी काम से नहीं थी तो मैं नहीं कर पाई वो सूट। तो अभी शाम का समय है और अर्घ हो गया सारा। तो जय छठी मैया।